मुस्लिम शाइस्ता और जैनब यानी अशरफ की पत्नी। अब अगली लड़ाई है गद्दी की कि आखिर गद्दी किसकी होगी, कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्योंकि संपत्ति इतनी है। ये देखिए एक प्रॉपर्टी मन्नत नाम से, ये प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं ये ग्रेटर नोएडा में अतीक की संपत्ति बताई जाती है, ग्रेटर नोएडा की। तो एक दो संपत्ति नहीं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं शाहीन बाग में भी अतीक की, दिल्ली के शाहीन बाग में भी अतीक की संपत्ति है। तो ये सब संपत्ति पर अधिकार किसका होगा, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये है प्रयागराज में एक मॉल बताया जा रहा है, ये भी अतीक का है, इस पर एक्शन हो चुका है, लेकिन कुछ दुकानें चल रही हैं। ये प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में मॉल है। एक और तस्वीर दिखाऊं मैं, ये लखनऊ की तस्वीर देख रहे हैं आप। लखनऊ में भी बताया जा रहा है बहुत सी प्रॉपर्टी है, और एक कई एकड़ में जमीन ली थी अतीक ने, अपने गुर्गों के लिए कॉलोनी बनाने वाला था। अगली तस्वीर दिखाई सर। ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक डायरी मिली, उस डॉन की डायरी में सारा खुलासा। ये जो देख रहे हैं ये डायरी जो मिली है घर से, ये देख रहे हैं बॉक्स में डायरी रखी हुई है, बॉक्स है इसमें डायरी रखी हुई है। पुलिस जब पहुंची तो डायरी मिली, इस डायरी में बड़ी डिटेल है। ये डायरी के पन्ने जब खोले गए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि डॉन के पास थोड़ा बहुत खजाना नहीं, बेशुमार दौलत है। देख रहे हैं डॉन की डायरी खोली, अतीक के ससुर के घर पर यह डायरी बरामद हुई। डायरी में अतीक का पूरा कच्चा चिट्ठा है, करीबियों मददगारों का नाम पता सब लिखा है, 5 राज्यों में अतीक के पूरे नेटवर्क का ब्यौरा है, 1000 बीघा जमीन से जुड़े प्रोजेक्ट की डिटेल है, रियल एस्टेट में अतीक के कारोबार का ब्यौरा है, होटल कारोबार में अतीक के इन्वेस्टमेंट का जिक्र है। डायरी में अतीक की फर्जी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, इन्हीं कंपनियों के जरिए अतीक ने साम्राज्य बनाया, फर्जी कंपनियों से करोड़ों के लेन देन की जानकारी मिली है, सभी करीबियों के नाम के साथ इसमें नंबर भी मौजूद है। जी हाँ, अतीक के करीबियों के नंबर है, अतीक की बेनामी संपत्तियों के जिक्र भी इस डायरी में। छापे में अतीक के साले का आधार कार्ड भी मिला है, अतीक के साले का नाम है जकी अहमद जो फरार है।